मामला ये है, मंडी बोर्ड द्वारा एक नए नियम लागू किए हैं आज से, जिसके तहत जितनी जिस्मों की किस्म आती हैं, जैसे गेहूं में 6 किस्म आती हैं या 7 आती हैं, उसको अलग अलग नीलाम करना और नीलाम जो करना है उसकी पर्ची पे लिखना, भुगतान पर्ची पे चढ़ाना, पोर्टल पे कंप्यूटर पे चढ़ाना, अलग अलग खाते रखना, ये सब बाध्य कर दिया गया है। इसकी मजबूरी कर दी है कि बाद ये आपको करना पड़ेंगे। व्यापारी को ये दिक्कत है कि अलग अलग खाते बनाना पड़ेंगे, अलग अलग सब जिस्म वाइज अपनी स्टॉक रखना पड़ेगा और भौतिक सत्यापन या उसमें भी अलग अलग अपना वेयरहाउसों में माल रखना पड़ेगा। तो इसमें हमारे गेट पास बनाने में भी हमें दिक्कतें जाएंगी। मंडी बोर्ड द्वारा ये नियम बहुत ही द्वेषपूर्ण भावना से बनाए गए हैं इसको, जबकि इसका कोई औचित्य ही नहीं है। किसान भी परेशान होगा, क्योंकि लिखने वालों को भी नहीं पता कि ये गेहूँ 1544 ही है कि सरबती है। कभी कभी खबड़ा माल आता है, उसका क्या होगा? सोयाबीन में 2-3 प्रकार की किस्में आती हैं, उसका क्या होगा? कुल मिला के ये व्यापार पे जबरन नए तरीके थोपना है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अब हम क्या करेंगे? आज हमारी मंडी अभी बंद है, अभी हम ज्ञापन के माध्यम से इनको सचेत कर रहे हैं, आगे नहीं तो पूर्ण रूप से मंडियां मध्य प्रदेश की बंद की जाए। किसान खड़े करिए, अभी हम नीलाम करेंगे, नीलाम बंद नहीं, लेकिन हमारा विरोध चल रहा है। मंडी बोर्ड MD से बात चल रही है, अभी सेक्रेटरी को ज्ञापन देने के बाद आज की नीलाम निपटाएंगे, उसके बाद जो भी स्थिति बनेगी प्रदेश लेवल पे, हम प्रदेश लेवल पे पूरी मंडियां बंद करेंगे। चूंकि मैं महामंत्री भी हूँ मध्य प्रदेश का, जो भी निर्णय होगा अवगत कराएंगे। महेंद्र जैन मेरा नाम है, अनाज तुलन संघ का प्रवक्ता हूँ। मैं मीडिया बंधु के माध्यम से केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि मंडी बोर्ड कोई भी नया नियम बनाए, उसमें व्यापारी को सबसे पहले एसोसिएशन के मार्फत बुलाए और उनको भी अवगत कराए कि ऐसा नियम बनाया जा रहा है, जिससे कोई हम लोग भी अपने सुझाव रख सकें और अपनी बात कह सकें। 10:30 से टांक होती थी, वो अभी चालू नहीं हुई है, ना जाने व्यापारी कहाँ चले गए, हमको ये कोई मालूम नहीं है। कोई बताया भी नहीं अभी तक? नहीं, अभी कोई बताया नहीं। हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, 11:30 होने के लिए जा रहे हैं। रतन कुमार शर्मा, ग्राम देहरी से मंडी आया था यहाँ पर। पहले से कोई सूचना नहीं दी गई थी कि मंडी बंद होगी, हम यहाँ पर आए थे, जानकारी मिली मंडी बंद है और पूर्व से कोई सूचना नहीं दी गई थी, इससे किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और रबी सीजन में अभी खरीफ सीजन में बोनी चल रही है, किसानों को डीजल की आवश्यकता है, बीज की आवश्यकता है, तो हमारी प्रशासन से ही मांगे जल्द मंडी चालू कीजिए। हम किसान लोग यहाँ 10 बजे सूचना दी गई थी, 10 बजे से मंडी चालू होगी, लेकिन इसके बाद 11 बजे मालूम पड़ा, 11 बजे के बाद में अनिश्चितकालीन के लाने, मतलब वे लोग किसानों का सेठों का कहना यह है कि हम जिंस बार नहीं लिखेंगे और किसान यहाँ पर पड़े हैं भूखे प्यासे, खाद बीज के लिए परेशान हैं और हर आदमी मतलब खाद बीज के लिए परेशान हो रहा है, और यहाँ पर कोई प्रशासन है कोई भी है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लोगों ने एकता के हिसाब से किसान संगठन के बैनर तले सब लोगों ने आकर चक्का जाम कर दिया, जब तक प्रशासन यहाँ नहीं आएगा, और कम से कम आज की मंडी करना है, इसके बाद अनाउंस करना है 1 महीने के लिए अनिश्चितकालीन बंद करें, हम लोग यहाँ डाक के लिए नहीं आएंगे, लेकिन आज की जो समस्या है उसके लिए हल करना जरूरी है। चंद्रमान सिंह राजपूत, ग्राम ठहर। क्या मामला है आपका? ये मामला साहब व्यापारी और मंडी कमेटी के बीच में विवाद है, जिस वजह से डाक रोक दी गई है। मैं कहना चाहता हूँ मंडी कमेटी व्यापारी दोनों से कि अपना विवाद आप अपने तक रखें, आज की नीलामी करें और किसानों को सूचना दें कि कल से नीलामी नहीं होगी, किसान नहीं आएगा। लेकिन आज किसानों क्यों परेशान किया जा रहा है? मध्य प्रदेश राज्य कृषि बोर्ड ने प्रमुख फसलों के वेराइटियों का चिन्हांकन करने के लिए, जो कि उत्पादन के और प्रसंस्करण हेतु व्यापारिक आंकड़ों की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने मंडी में एक नया नवाचार किया, जिसमें मंडी में बिकने वाली प्रत्येक जींस की किस्म अनुबंध चिट्ठी पर अंकित की जाएगी, तदनुसार ही भुगतान पत्रक और अनुज्ञा पत्र पर भी जींस वार उनकी श्रेणी लिखी जाएगी, जिससे ये पता लग सके कि यदि गेहूं आया है तो उसमें से कौन कौन सी किस्म कितनी मात्रा में आई है। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।